तो आज पूरे हो गए हैं 10 दिन मेरी डिलीवरी को, और इसीलिए आज हमने पूजा की दशटौन की, 10 दिन पे जो पूजा होती है बच्चे के लिए। और इसी पूजा में हम लोगों ने ये जो खाना आप देख रहे हैं ये पूजा के बाद का खाना है, बट पूजा में हम लोगों ने आज हमारे बेबी का जो नाम है ऑफिशियल नेम वो भी हमने फाइनल कर लिया, रख लिया हमने नहीं, हाँ बेबी के जो पापा हैं उन्होंने एक नाम सोचा था, और वो नाम ऐसे ही कुछ यूनिक डिफरेंट के चक्कर में, कुछ भी ऐसे नहीं रखा था हमने। हमारा मतलब जो बेबी के पापा हैं उन्होंने कुछ सोचा, उस नाम के पीछे थोड़ी स्टोरी है, एक थॉट है, मतलब बहुत ही थॉटफुल और सोच समझ के रखा गया नाम है। तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो जब हम पूजा पे थे तो वहाँ पर उन्होंने हमें वो स्टोरी सुनाई ताकि हम लोग भी रिलेट कर पाएँ कि क्या नाम है, और वो जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी भावुक कर देने वाली थी। तो आज का हमारा जो पूजा करने का मोमेंट था, पूजा तो हुई ही, साथ में बेबी से हमारा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन एंड बॉन्ड बना, और हम सभी लोग थोड़े से हैप्पी थे, और वो जो प्यारा सा एक मोमेंट था, हमने नाम भी फाइनल किया और हम लोग थोड़े से एक इमोशन में थे। तो मैं बेसिकली व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन कुछ पिक्चर्स थी जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपना ब्लेसिंग्स और प्यार ज़रूर देंगे मेरे बेबी को भी और हमारी फैमिली को भी। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया एंड आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे इस खुशी में शामिल हुए और मेरी खुशियों में खुश रहे, अपना प्यार केयर मेरे लिए चिंताएँ आप लोगों ने भेजी, ये बहुत मायने रखता है। तो इन सब सारी इमोशन सारी फीलिंग्स के लिए मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैं नाम में कोई सस्पेंस नहीं बनाना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उस नाम को हमने किस पर्पज़ से किस थॉट के साथ में रखा है वो भी आप तक उतने ही अच्छाई से पहुँचे, उतने ही ट्रूनेस के साथ वो पहुँचे। तो वो जिसने नाम रखा है वही आपको अपने मन की बात एक्सप्लेन कर सकता है। तो जब इनके पास टाइम होगा जल्दी ही कुछ दिनों में, मैं आप लोगों के साथ में बच्चे का नाम भी रिवील करूँगी और उसके पीछे इन्होंने क्या स्टोरी है, इनके क्या थॉट्स हैं वो भी ये एक्सप्लेन करेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े का स्टैंड जो क्लोथ ड्राइंग स्टैंड है वो ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था, और आज छुट्टी थी तो इन्होंने इसको अरेंज करने का सोचा। इसका मैं रिव्यू वीडियो भी सेपरेटली बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है, बट अभी यहाँ पर असेंबलिंग चल रही है। क्या कर रहे हो ये? पहले तेज लगाते निकाल आता। निकल क्यों रहे हो तू? वो अपना घर बना रहा है। क्या करने? ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ निधि। सो आज मैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ, इस तरीके से 1-to-1 ब्लॉग जिसे बोलते हैं, और मेरा बाबू जो है उसको मैं फीड भी करा रही हूँ, साथ में बात कर ले रही हूँ। तो मैं आपको एक्चुअली अपडेट देने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। छठी का ब्लॉग मैंने बनाया है, छठी मीन्स 6 दिन पर जो पूजा होती है बच्चे की, छठी बोलते हैं, छठी पूजा जो भी आप क्या बोलते हैं मुझे बताना, हम लोग छठी पूजा बोलते हैं। तो वो हो चुकी, इसका हुआ था, तो हमने वो उसका व्लॉग बनाया, वो भी बहुत अच्छा व्लॉग है। आप लोगों ने वेलकम व्लॉग जो देखा था इसका, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए और बहुत सारा प्यार और केयर मेरे लिए कॉमेंट्स में भेजा, तो थैंक यू सो मच। और वैसा ही कुछ व्लॉग जो है छठी का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें एंटरटेनमेंट और मज़ेदार व्लॉग जो है वो देखने को मिलेगा। तो अपडेट अब फ़िलहाल मैं दे देती हूँ कि अभी मेरा 10 डेज़ हो चुका है, और स्टिचेस की मैं बात कर लेती हूँ। तो स्टिचेस जो हैं वो मेरे 7th डे पे रिमूव होने थे, बट डॉक्टर मेरे अवेलेबल नहीं थे, तो 8th डे मैं गई थी, और मेरा जो टांके हैं वो मतलब पूरे नहीं हटे, कितने तीन स्टिचेस अभी रह गए हैं, बाकी के सारे स्टिचेस जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं डॉक्टर ने। 3 स्टिचेस थे तो वो थोड़ा सा डाउटफुल थे, मतलब थोड़ा सा भी उनको हील होना बाकी था, तो वो 1 वीक के बाद डॉक्टर ने बुलाया है मुझे उसके लिए।
तो अभी मतलब जब तक स्टिचेस हट ना जाएं और उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन हो ना जाए तब तक आप मान के चलो कि मतलब मेरे को तो दिमाग में ही रहता और पेन भी बना रहता है। जब टांके हट जाते हैं उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन हो जाता है ना, फिर उसके बाद ऊपर की स्किन एटलीस्ट हील हो जाती है। अंदर तो हीलिंग थोड़ा लंबे टाइम तक चलती ही रहती है, आपको केयर रखनी ही पड़ती है, लेकिन ऊपर से जो हो जाता है ना तो पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होते जो कि अभी है मुझे। तो बैठने में और ऐसे मतलब मूव करने में झुकना मीन्स ऐसे बॉडी बेंड करते हैं जहाँ वो टांके वाले एरिया में जहाँ भी प्रेशर आता है तो पेन रहता है। और ऐसे भी एकदम स्मूथ नहीं है अभी मेरे जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम स्मूथ नहीं है। और रही बात कि पेनफुल कितना रहता है ये सब एक्सपीरियंस, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी। कई लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि पेन नहीं होता है क्या और आप चेयरफुल थे, हंस रहे थे कैसे, तो वहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ जो मेरा मतलब मेरी जो सोच है जो मैं महसूस करती हूँ 2 डिलीवरी के होने के बाद, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो मतलब एक हैपनिंग हो रही है, एक देखो तो सोचो तो यार कि कैसे हमने एक ये छोटा सा बच्चा है जिसको हमने मतलब जन्म दिया बना है, ये कैसे नेचुरल नेचर मतलब कैसे सब चीज़ें करती है, एक बहुत मैजिकल लगता है ना। तो इतनी बड़ी चीज़ अगर हो रही है तो उसका जो प्रोसेस है उसका पेन का जो पैरामीटर है, आप नॉर्मल लाइफ में सर दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है या पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो एक अलग पैरामीटर होता है उसका दर्द का। लेकिन जब आपको आउटपुट इतना प्यारा और इतना सुकून देने वाला मिलता है तो फिर आप ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतनी बड़ी चीज़ आपको मिली है तो आपको पेन तो होगा ही, वो एकदम पेनलेस प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो पेन होता है और सब कुछ होता है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को देखते हो इतना मासूम इतना छोटा सा बच्चा होता है तो एज अ मदर वो ऑटोमेटिक होता है, कोई सिखाता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, हर माँ का अलग अलग तरीका होता है अपने बच्चे को कंफर्ट देने का। और वो कंफर्ट के चक्कर में, वो कंफर्ट देने के चक्कर में अपना जो पेन होता है ना वो हम बेयर कर लेते हैं। देखिए अगर हम पड़े रहे, मैं पड़ी रहूं तो फिर मेरे को मतलब इसके लिए तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ही इसके लिए कर सकती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ऑटोमेटिक होता है पेन, और जो प्रोसेस है वो तो सभी के लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी माँ है, अगर उसकी सर्जरी हो रही है या नॉर्मल डिलीवरी जो भी हो रही है तो उसके जो भी पेन या जो भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं वो सबको बराबर ही मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ या किसी और के साथ कुछ अलग होता है, सबके साथ सेम प्रोसेस होती है। एक मिनट, मैं आपसे वही बोल रही थी कि मतलब ऐसा होता है तो अपने आप ही चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, और तो यही है। और अभी इसके साथ क्या हो रहा है, ये इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इतना इसको बर्थ कराना पड़ता है, इसके साथ नहीं सारे न्यूबॉर्न्स के साथ में ये रहता है कि थोड़ा भी ये लोग मतलब मिल्क वगैरह लेते ना तो इनको तुरंत से ऐसे करके बर्फ कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो नहीं तो इनको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो मैं मतलब जो मैं करती हूँ वो थोड़ा फीडिंग का प्रोसेस जो मेरा है वो थोड़ा सा मैं लंबा रखती हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसको बर्फ करा देती हूँ ताकि इसको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो ये है एक चीज़। लेकिन हाँ, आरएफ के कंपैरिजन में इसको थोड़ा मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या फिर सही में ऐसा है कि नहीं है, बट इसको थोड़ा बर्पिंग ज़्यादा करानी पड़ती है, और बहुत क्यूट है। और अभी धीरे धीरे डे बाय डे इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी हो रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब जो फीचर्स हैं जो एक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। जब वो हुआ था तब एकदम वैसा फेस था, अभी स्किन भी जो नई है वो निकल के और फिर जो इसकी ओरिजिनल स्किन है वो धीरे धीरे आने लग गई है, तो ये सब चल रहे चेंजेस और मज़ा आ रहा है। थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, मैनेज हो रही है। और इन सब चीज़ों की कोई दवाई नहीं होती है, कुछ मैंने डॉक्टर से भी बात की थी बट उन्होंने बोला कोई दवाई नहीं है, आप मैं पंपिंग वगैरह कर रही हूँ लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, वही वाली बात है कि यार एक चीज़ अच्छी लग रही है तो एक चीज़ ख़राब भी लग रही है, अब आपको चूज़ करना है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है पेन चला जाएगा तो ये भी तो बड़ा हो जाएगा, ये मोमेंट्स हो जाएंगे, तो मेरे को ये मोमेंट्स का भी लालच रहता है, बट एट द सेम टाइम जब पेन होता है तो फिर ऐसा लगता है यार पेन कहीं से चला जाए, किसी तरीके से चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स चल रही, अच्छी चीज़ भी जो अच्छी है वो बहुत अच्छी है और जो ख़राब है वो ठीक है, मतलब वो इतनी ख़राब नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब इन मोमेंट्स का मुझे लालच तो बहुत आ रहा है कि ये मतलब आराम आराम से जाए, कोई जल्दबाजी ना हो, और ये प्यारे से बहुत प्यारा मोमेंट लगता है छोटे बच्चे के साथ में, एकदम ऐसा लगता है टॉय है, इसको कपड़े पहनाना, ये इसको मतलब बहुत मज़ा आता है, तो अच्छा लग रहा है मुझे।
और पेन वगैरह की मैं बात बताऊँ तो मुझे बहुत पेन हो रहा है, स्पेशली मेरा जो ब्रेस्ट पेन है वो मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, और मुझे हर टाइम फीड कराने के बाद पंप यूज़ करना पड़ता है तो वो बहुत टायरिंग होता है, पूरा टाइम मेरा समझ लो इसी में चला जाता है। लेकिन मुझे और फिर दूसरी बात क्या है ना कि मैं परेशान होकर के मैं आपके सामने, जब परेशान होते हो तो फिर वीडियो तो नहीं बना सकते ना, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ कि मैं परेशान होकर के आपको वीडियो बता दे रहा हूँ कि यार मेरे को अभी पेन हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, तो उसमें मज़ा क्या आएगा, इंटरेस्टिंग क्या होगा? आप भी अपना टाइम निकालते हो तो अच्छा कुछ देखने के लिए, इंटरेस्टिंग, हंसी, प्यारा कुछ देखने के लिए। तो मेरी कोशिश हमेशा वही रहती है, समटाइम्स हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छा हैप्पी फेस आप लोगों के सामने रखूं। पेन तो सबको ही होता है यार, किसको नहीं होता है, लेकिन हैप्पीनेस देखकर हैप्पीनेस बढ़ाना मेरा वो है। तो मैं आपको जब भी मिलूँगी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्माइली फेस के साथ रहूँ, और जो चीज़ नेचुरल है वो चीज़ है। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सब मेरा जो भी पेन या मेरे डिस्कम्फर्ट हैं वो आप समझते ही होंगे कि ये ऑटोमेटिक है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, मेरे को भी वो चीज़ें होती ही हैं, लेकिन अब उसके बारे में क्या बात करना है कि नहीं। तो ये है, और अभी रात हो चुकी है, मैं इसको फीड करा रही थी, मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी सी बात कर ली जाए, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए। तो तो यही है, और मैं ना आप लोग ये देखो, मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे हस्बैंड ने क्या मंगाया मेरे लिए, एक ड्रेस मंगाई है, नहीं टॉय नहीं मंगाया, एक ड्रेस मंगाई है जो कि बहुत प्रिटी है। अब मैंने ट्राई नहीं किया है, मतलब उसकी फिनिशिंग और वो बहुत अच्छी लग रही है, तो कल मैं उसको ट्राई करूँगी। और एक दो और भी चीज़ें एज अ गिफ्ट आई है मेरे पास, तो बताना मुझे, वो फीमेल वाली चीज़ें ही है, तो आप लोग बताना जो मेरी सहेलियाँ देख रही है मुझे, तो मुझे बताना। आ रहा फिर आप डिस्टर्ब करने लगे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, गिफ्ट के बारे में कह रही थी, तो आप मुझे बताना है, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है। अभी तो मैं इसको ट्राई करूँगी, कल में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा ड्रेस है इन्होंने मंगाया, मैंने इनसे बोला था, काफ़ी पहले बोला था, तब तो इन्होंने कुछ नहीं मंगाया, बट अब मंगाया है, मतलब प्रेगनेंसी टाइम, मतलब प्रेगनेंसी क्या, मार्च अप्रैल के टाइम पे मैंने इनको बोला था कि मुझे ना कुछ कपड़े गिफ्ट कर दो। कपड़े आजकल ना मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई मेरे को पसंद करके दे दे बस, तो तब तो इनको टाइम नहीं मिला होगा, जो भी है, मतलब अब आया है, तो अब आया है तो अब ट्राई करेंगे। अच्छा लग रहा है वैसे मुझे, लेकिन मैं ट्राई करके देखूंगी कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, तो वो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक दो कुछ कॉस्मेटिक गिफ्ट भी आए हैं, लिपस्टिक वगैरह आई है, वो भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ, तो मैं देखने के लिए, मतलब ऐसे तो रफली देख चुकी हूँ बट पूरा अनपैक नहीं किया है, मैंने सोचा आराम से करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो, तो छोटा सा एक हॉल, मिनी हॉल जैसा रहेगा, 5-6 आइटम है, तो वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। चलो चलो हम लोग सोने जा रहे हैं, तो चलिए बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग तो नहीं है, अपडेट था बेसिकली। और हाँ, बस बने रहना, 2-3 दिन में मैं छठी का व्लॉग डालूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत प्यारे प्यारे से उसमें क्लिप्स हैं, अच्छा है, तो वो व्लॉग देखने। और उसमें मैंने हाँ एक हॉल भी शेयर किया है, आई डोंट नो वो उसके साथ ही जाएगा, वीडियो की लेंथ पर डिपेंड करता है, बट मैंने एक हॉल भी अमेजोन से मैंने कुछ आइटम मंगाए थे इसके लिए, तो वो आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी, अच्छे हैं तो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, विद बेल आइकन, और तब तक